आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला, और लास्ट क्लास में हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया था, और आज हमारा डेटा समराइजेशन फॉर्मूला है। लेकिन डेटा समराइजेशन फॉर्मूला को करने से पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक छोटी सी प्रॉब्लम जो कि हमारे एक व्यूअर है जो आउट ऑफ इंडिया से है, उन्होंने मुझसे पूछा है, तो हम आज आपके साथ उसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस क्या है चीज़ को समझिए। तो उनके पास किसी तरह का डेटा है और डेटा में वो डेटा चाहते हैं, जैसे कि यहाँ अगर डेटा फिल्टर पे बात करें तो इनके डिटेल्स हैं, इनके टाइप्स हैं। वो चाहते हैं जो टाइप हम एंटर करें उस टाइप का पूरा डेटा, जो पूरा डेटा है, इस पूरा डेटा को हमारा डेटा यहाँ पे शो करना चाहिए, और टाइप को चेंज करें तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाना चाहिए, राइट सर। तो जाहिर सी बात, इसके लिए हम लोग वी लुकअप लिस्टिंग का काम करते हैं, तो चलिए वी लुकअप लिस्टिंग का ही काम यहाँ पे करेंगे। लेकिन कैसे होगा इस पे हम डिस्कशन आपके साथ कर रहे हैं। तो इसके लिए रिगार्डिंग आपने पढ़ा था, लेकिन इसमें कोई नई चीज भी हम इंक्लूड कर लेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है। किसके अकॉर्डिंग चलना है? बी के अकॉर्डिंग चलना है। तो इसमें हमें एक काम करना होगा कि यहां पर मुझे बी का काउंट देना पड़ेगा, सीरियल नंबर MH टाइप, ये हम डिक्लेयर कर रहे हैं। हालांकि एरे के जरिए हम इसको कर सकते हैं इजीली विदाउट इस डेटा के साथ छेड़छाड़ किए, लेकिन एरे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम इसमें इसी चीज को करते हैं। एरे जब हम पढ़ेंगे तो हम आपको कराएंगे। तो हम काउंट इफ लगाएंगे और इस पूरे कॉलम इसमें L2 से L2 कॉमा L2 कर देते हैं। I2 है ना, I2 कर देता। यहां से देखिए हमने क्या किया, हमने किया कि जहां पर फॉर्मूला लगा रहे हैं उसी के सामने I2 से I2 कॉमा I2 हमने कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। अब इसको नीचे जब हम ड्रैग करेंगे तो F4 लगा के फिर नीचे ड्रैग करेंगे, और फिर इसको नीचे की तरफ जब हम ड्रैग कर देंगे तो आप देखेंगे कि हर एक टाइप के लिए एक सीक्वेंस नंबर आ गया कि बी चार बार, अगर नीचे बी है तो पांचवा है, उसके नीचे है तो छठवां छठा है। फिर इसको आगे हम यहां भी कॉन्कैट कर देंगे, और कॉन्कैट के साथ हम एक सेपरेटर लगा देते हैं, और इसके साथ इसका हम बी को भी ले लेते हैं, 1-B 2-B आ गया। अब इसमें हम वी लुकअप तो नहीं लगा सकते क्योंकि ये डेटा के सबसे लास्ट में है। यहां पे हम ऑफसेट और मैच लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? ऑफसेट और मैच। कैसे लगाएंगे चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो इसके लिए हम यहां VLookup पे आते हैं। तो पहले तो यहां पे सीक्वेंस नंबर होना चाहिए क्योंकि यहां पे हम काउंट लगा देते हैं, इक्वल काउंट इफ, और काउंट इफ में हम जाते हैं कहां पे, डेटा फिल्टर में, और इसको सेलेक्ट करते हैं कॉमा, यहां जहां A2 है मतलब कि इसको उठा के इसको सिलेक्ट कर लेते हैं MH टाइप को, तो ये 73 आ गया, मतलब कि O1 हो गया यहां पे, कि एक यहां पे जो टाइप A है हमारे इस डेटा में 73 टाइम्स है। अब मैं देख लेता हूं कि एक टाइप कितना बड़ा होगा, तो मैं 100 टाइम हो सकता है या 200 टाइम हो सकता है, ऐसी एक अनुमान हम लगा लेते हैं, और यहां पे मैनुअली 1 लिखते हैं, और यहां पे देते हैं कि इफ
ऊपर में प्लस वन करने पे अगर वो ग्रेटर देन ये जो 73 है, अगर ऐसा है तो यहां पे ब्लैंक दे दे, अदरवाइज ऊपर वाले फॉर्मूला में ए टू में प्लस वन कर दे। और मुझे पता है कि इसमें एरर आने के चांसेस है, तो हम यहां पे इफ एरर लगाते हैं और इसमें ब्लैंक करके इन्वर्टेड कॉमा दे देते हैं। अब जहां पे ए टू दिख रहा है आपको एफ फोर, ए टू नहीं होगा, ए टू फ्रीज नहीं होगा, हमें पी वन को फ्रीज करना है पी वन, और नीचे की तरफ हम इसको 100 या 200 रो में हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं। अब जब यहाँ पे वी लुकअप नहीं, यहाँ पे लगाएंगे हम मैच, मैच इंडेक्स। तो सबसे पहले या ऑफसेट लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे ऑफसेट देते हैं ऑफसेट, और डेटा फिल्टर में जाते हैं, हम स्टार्टिंग ऑफ द डेटा सेलेक्ट करते हैं कॉमा, और फिर यहाँ पे मैच देते हैं कि मैच, मैच में हम मैच किसको करना है, तो हमें मैच करना है ए टू के साथ कंबाइन होगा ओ वन, और उसको हम इसके अंदर लुकअप करेंगे। सर ये ऑफसेट और इंडेक्स में एक बार डिफरेंस बता दीजिए। इंडेक्स के लिए पूरा डेटा सिलेक्ट करना होगा, बट ऑफसेट को सिर्फ स्टार्टिंग द डेटा ए वन पे हमने सिलेक्ट किया। इसमें माइनस वन करना होगा क्योंकि जीरो से काउंट करता है, और यहां पे हम देंगे जीरो वन रोल नंबर, ये देखिए इसका रोल नंबर आ गया, एक आ गया 1651 किस पे ए का। तो अगर आप इसको एक बार मैच करना चाहें तो डेटा फिल्टर में जाइए, ए यहां पे ए कहां पर है, सर ये वाली सीट शेयर कर दीजिएगा एक बार थोड़ा। उसके बाद 1A देखिए कहाँ पर है इसका, 2A 1994 1A। एक बार डेटा मैच करना जरूरी है, 1651 द करेक्ट आंसर। अब इसी फॉर्मूला को मुझे, अब मुझे इसे नीचे ड्रैग करना है, तो सबसे पहले इसको फ्रीज करना होगा F4 से, देन फ्रीज करना होगा O1 को, और इसको फ्रीज करना होगा, और इसमें मुझे A2 में से सिर्फ A को फ्रीज करना है। अब मुझे इसको वन, यहाँ पे जो वन है मैनुअली हमें लगाया हुआ, इसके जगह पे मैं मैच लगा देता हूँ कि मैच, और हम फिर इसको सेलेक्ट करते हैं और चले जाते हैं डेटा फिल्टर में। डेटा फिल्टर में डेटा को सिलेक्ट करते हैं कॉमा जीरो, तो ये हमारा रोल नंबर आएगा, लेकिन इसे माइनस वन करना पड़ेगा क्योंकि हमने ऑफसेट लगाया हुआ है। अच्छा, इसको आगे ड्रैग करने से पहले मुझे बी वन का वन फ्रीज करना होगा, बी फिक्स रहेगा, और फिर इसको आगे तक ड्रैग कर लेते हैं। तो तीन फील्ड नहीं आया, तीन फील्ड का भी जुगाड़ कर लेते हैं। अब इसमें एरर क्यों आया, इसमें क्या दिक्कत हो गया? ओके, हाँ यहाँ पे दिक्कत हुआ, इसको नहीं होना चाहिए था। अब मैं इसको नीचे तक ड्रैग करता हूं, तो पूरा डेटा यहां पे आ गया। अब इसके नीचे नहीं आ रहा क्योंकि इसके नीचे डेटा नहीं है, तो इसको भी मुझे यहां पे इफ एरर लगाना पड़ेगा। इफ एरर, और यहां पे क्या पैकेट ओपन क्लोज कर दिया, और फिर इसको
आगे की तरफ ड्रैग करते हैं, नीचे की तरफ ड्रैग, इसके नीचे देखिएगा अब नहीं है, यहाँ पे 73 है, 73 आ गया। अगर मैं यहाँ पे बी करता हूँ तो बी का भी बी वाले आ जाएंगे, यहाँ पे अगर सी करता हूँ तो पूरा सी वाला सिस्टम यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि शिफ्ट आईडी जो है यहाँ पे नहीं है, क्या नहीं है, शिफ्ट आईडी। ठीक है, ठीक है सर, शिफ्ट आईडी कहां पर है एक बार देख लेता हूं, एमएच में नहीं, इसमें भी शिफ्ट आईडी नहीं है, शिफ्ट सर, शिफ्ट डाय, शिफ्ट आईडी, हाँ शिफ्ट आईडी, शाफ्ट आईडी, सॉरी शिफ्ट आईडी नहीं है, लग रहा कोई अलग से। अब इसमें मुझे क्या है कि एमएच नेम जो है वो मेन है, एमएच नेम मुझे मिल चुका है, तो अब बाकी चीज हम आसानी से निकाल लेंगे, क्या सर? तो ये हमारा मेन टॉपिक था। तो इसमें हमने क्या लगाया, इफ एरर लगाया, के अलावा हम वी लुकअप भी लगा सकते थे, क्या लगा सकते थे, वी लुकअप। लेकिन वी लुकअप लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता, अगर मैं वी लुकअप की बात करूं तो मैं इसमें वी लुकअप भी लगा सकता था, लेकिन वी लुकअप कैसे लगा था, चलिए हम वी लुकअप के बारे में भी बता देते, वी लुकअप कैसे लगता। तो वी लुकअप के लिए हमें अपने डेटा फिल्टर में जाना होता, और ये जो हमने जे कॉलम में जो दिया है ना सर, इस चीज को उठा के मुझे स्टार्टिंग में देना, इस चीज को हम स्टार्टिंग में देते हैं यहां पे सी ओ टी काउंट इफ, और फिर इसको हम सी टू से सी टू पे जाते और सी टू देते, और फिर इसमें हम पहले वाले को हम फ्रीज करते हैं। एक बेसिकली इसका करने का पर्पस ये है यूनिक आईडी बनाना, तो इसमें हम क्लिक करते तो हमारे पास यूनिक आईडी हो जाता, और फिर इसमें हम कॉनकाटा नेट जो है कर देते हैं इसको एमएच को, सॉरी एमएच नहीं, इसको बी को, और ये बी ही होगा, मतलब कि सी टू से सी टू नहीं, जे टू से जे टू होगा, ये छोटा सा मिस्टेक यहाँ पे हो गया, जे टू से जे टू कॉमा जे टू से जे टू, और फिर इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं, और फिर यहां हम सिंपल देते हैं क्या, वीलुकअप, वीलुकअप पे इसको सेलेक्ट करते हैं, और इसके साथ हम कॉनकाटा, कॉनकाटा नेट के साथ हम इस बी को सिलेक्ट करते हैं, और सिंपल अपने डेटा फिल्टर में जाते हैं, और हम यहां पे, और फिर हम मैच दे सकते थे, मैच नहीं देते कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सिंपल 1 2 3 कॉलम नंबर भी दे सकते हैं, मैच देने की जरूरत नहीं, मैच देते ताकि हमें कॉलम नंबर बार बार ना लिखना पड़े। तो समझ में आया आप लोगों को सर? ओके, अब ये तो यहाँ पे एक बात हो गई इसकी। अब दूसरी एक चीज और आती है जो कि नई है, कि जैसे कि डेटा फिल्टर आप देख रहे हैं ना, अब मुझे अगर इसमें बी का जितने भी एम एच नंबर है या कोई भी एक नंबर कॉमा कॉमा करके लेके आना है, समझे? तो इसके लिए हम देते टेक्स्ट ज्वाइन का फंक्शन, टेक्स्ट ज्वाइन कॉमा, इसको छोड़ दीजिए, और फिर इसमें हम देते हैं इफ, में हम इसको सेलेक्ट करते हैं कि अगर ए इक्वल टू क्या है तो बी, अगर ऐसा है तो इसको बाकी को हम छोड़ देते हैं यहीं पे, एंटर प्रेस कीजिए, दिख रहा है सर आपको कुछ? तो जितने भी बी थे सबको इसने यहां मर्ज कर दिया, बहुत एक बार मर्ज कर दीजिए पूरे को, मॉडर्न सेंट्रल, और इसको रैप कर दीजिए, ये फॉल्स क्यों आ गया, नहीं नहीं फॉल्स नहीं आना चाहिए,
नहीं, इसमें इसमें फॉल्स आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा इसको नहीं किया। अब सही रिजल्ट आएगा, जितने भी रिजल्ट थे सारे आपके सामने यहाँ दिख गया। कॉमा कॉमा कर गया, ऐसा भी किया जा सकता है समझे, लेकिन इसके लिए आपको 2019 का वर्जन होना चाहिए क्योंकि टेक्स्ट वैल्यू फॉर्मूला 2019 के ऊपर ही है। ठीक है सर, तो इसकी प्रैक्टिस